अयो ड्रोन है, ड्रोन है यार, कैमरा है, कैमरा, चिंता ना करो, मीडिया पे हूँ। कौन से काम के हो? अच्छा तुम भाग है, अरे मेरी मौसी वाले, मैं तो वीडियो बनाऊ तो मैं भाई ने मिलू की खेत खत्म जाओ भाई और है थाने में। अच्छा था, मैं कहा हूँ भाई डर गेम खाओ, ड्रन की जरूरत नहीं है भाई, रात का टाइम है ना भाई, ठीक है करो भाई, उठो नहीं यार, ठीक है ये डर गए थे भाई थोड़ा। बाइक की लाइट में दिखाना पड़ रहा है तुम्हारे भाई को, और ये कैमरा पर चल रहा है, और आप पीछे देखोगे बाइक और उसके पीछे आपको, चलो तो पीछे लेके चलते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, ये तो बाइक की लाइट में आ गया मैं, ये देखिए आप दूर दूर तक बिल्कुल खाली सुनसान रोड है, और ये आप देख लीजिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये होता है वो होता है। चलो भाई बाकी अभी निकलते हैं। हाँ भाई एक वो होता मैं कैमरे के चक्कर में, क्योंकि तो भाई ये जो अभी आईफोन है इसमें अभी एक्चुअली वो लगाना है मैप वगैरह, तो इस रूट पे मैं आया हुआ हूँ, और आपको पता है कि रात के टाइम होता है और इस रूट पे वो भी नहीं होता कि कोई साइन बोर्ड वगैरह, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ऐसा, तो बस अभी वो जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं कौन से वाला रोड निकलेगा अभी भाई, कम से कम 15-20 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से 20-25 इसी रूट पे, चलो देखते हैं और अभी निकलते हैं वापस कि कितनी दूर है। बाइक की लाइट में दिखाना पड़ रहा है तुम्हारे भाई को, और ये कैमरा पर चल रहा है, और आप पीछे देखोगे बाइक और उसके पीछे आपको, चलो पीछे लेके चलते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, ये तो बाइक की लाइट में आ गया मैं, ये देखिए आप दूर दूर तक बिल्कुल खाली सुनसान रोड है, और ये आप देख लीजिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये होता है वो होता है। चलो भाई बाकी अभी निकलते हैं। हाँ भाई एक वो था मैं कैमरे के चक्कर में, क्योंकि भाई ये जो अभी आईफोन है इसमें अभी एक्चुअली वो लगाना है मैप वगैरह, क्योंकि इस रूट पे मैं आया हुआ हूँ, और आपको पता है कि रात के टाइम होता है और इन रूट पे वो भी नहीं होता कि कोई साइन बोर्ड वगैरह, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है ऐसा, तो बस अभी वो जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं कौन से वाला रोड निकलेगा अभी भाई, कम से कम 15-20 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से 20-25 इसी रूट पे, चलो देखते हैं और अभी निकलते हैं वापस। रुको एक बार, मैं वैसे आते हुए दो ही फ़ोन ले आया था भाई, मेरा ना उस पर वैसे वो लगाने का मेरा मन करता नहीं है इसके ऊपर, तो आईफोन को तो अंदर ही रह लिया, दूसरे वाले निकालता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल दो तीन बार गिर लिया यहाँ पे स्टैंड पे जब मैं बाइक के लगाता हूँ अपना उसके लिए, तो भाई अब डर लगता है 1.5 लाख रुपये भाई नुकसान हो जाए गंदे वाला, ये तो अपना फिर भी 30,000 का, इसका कोई ज़्यादा डर नहीं लगता मुझे। भाई हम आ गए हैं कहाँ पे, ये ढाना, ये जटो बट्टा, और सीधा बास आ जाता है पेटवाड़, ये जमावड़ी वाला रास्ता, इसे आगे है भाई ये कुंभा वाला रास्ता, तो जो भटोल जट्टा है उससे आगे जाता है, तो अभी देखते हैं भटोल जट्टा होके फिर हम कुंभा होते हुए फिर निकलेंगे। एक्चुअली एक और बताऊं, कुंभा मेरी वैसे मौसी जी भी रहते हैं, तो नहीं वो तो अभी हमारे पीछे रहते हैं, वैसे गांव उनका यही है, अभी गांव में रहते थे पहले 10 साल पहले तक, तो अभी वो हांसी में शिफ्ट हो गए हैं। चलिए भाई अभी चलते हैं पहले भटोल जट्टा, फिर वहां से हम कुंभा वाला लिंक रोड ले लेंगे और फिर वापस घर पे। चलो भाई देख लिया हमने रूट, अभी हम वापस उस नदी को भी क्रॉस करेंगे जिससे हम आए थे ना अंदर ही अंदर, तो भाई पता क्या है उस नदी से भी आप सीधे सीधे इस रूट पे आ सकते थे, बट उस पे क्या है कि उस रूट पे कुछ ज्यादा ही मतलब रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, तो बाइक वगैरह डैमेज होगी, और रात को 1-2 बजे तो किस फ्रेंड को बुलाऊंगा ना कोई यहाँ पे, वर्कशॉप तो चलो वैसे भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी Maybe you can chill. All the stuff I have up in my head, I just
देखो हम कितनी देर से चल रहे हैं, हमें कोई इंसान इंसान की जात नहीं दी गई है, कोई बाइक कोई गाड़ी सुरक्षित पे ऐसे रात को तो आपको ऐसे भूतिया सा दिख रहा होगा ये। यहाँ पे तो यार दुकान टाइप भी हो गया, अभी ऐसे नाची बंद हो गया। और हाथ गंदे वाले जाम हो गए भाई। टेम्परेचर अभी देख रहा था 12-13 दिखा रहा है। चलो है तो नॉर्मल, बट जब आप बाइक पे चलते हो और ग्लव्स वगैरह मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मोबाइल ऑपरेट करना और GoPro ऑपरेट करना करते रहना पड़ता है बीच बीच में, तो फिर उससे वो हो नहीं पाते, वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है ना, आपको पता है ग्लव्स पहन के तो अच्छे से काम नहीं करते, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपना ठीक है भाई। और भाई सिर्फ यही है ही नहीं, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे भी रात को गया हूँ। तब तो चलो मैं यूट्यूबर नहीं था क्योंकि बाइक तो मैंने बहुत काफ़ी पहले ले ली थी, लगभग 8-9 महीने या साल होने को हो रहा होगा, तो यूट्यूब वीडियो तो अभी मतलब कि 3-4 महीने से स्टार्ट किया मैंने कि भाई आप यूट्यूबर है यूट्यूबर हो, मगर भाई हूँ तो नहीं। वैसे तो मैं अपना जो मेरी पायलट ट्रेनिंग के लिए मैं अपने आप चल रहा था मेरी स्टडीज वगैरह, तो पहले मेरा यही मन था कि मैं अपना इंडिया से ही अपनी पायलट ट्रेनिंग का पूरा कोर्स कम्प्लीट करूँ, बट अभी मेरा मन है कि मैं बाहर जाऊंगा कहीं पे यूरोप में या USA वगैरह, वहीं से करके आऊंगा, क्योंकि यार इंडिया के अंदर अब एविएशन सेक्टर में मुझे ज़्यादा कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, तो मैं सोचा इतने जाते इतने टाइम पास के लिए अपना यूट्यूबर ही बन जाते हैं। अभी देखते हैं कब तक मैं अप्लाई करता हूँ, अभी थोड़े टाइम तक, बीच में कुछ 2-2.5 साल कोरोना की वजह से ऐसी तैसी हो गया, टाइम भी ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, तो बस अभी देखते हैं कि 5-6 मंथ्स में या हार्डली 1 साल तक के अंदर अंदर मैं बाहर ही चला जाऊंगा, अभी देखते हैं चलते चलते। कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है मैप? और बस अभी हम पहुंचने वाले हैं भाई, ये एक यहाँ से जाता है लेफ्ट रास्ता, वो रोड थोड़ा सा सही मिलेगा, अभी देखते हैं कौन सा जाएगा। यार ये भी कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, गले में खराश सी हो रही है यार। सामने आ गया भाटोल गांव, भाई हद है यार, रास्ते नहीं दिख रहे यहां पे तो। जस्ट ए मिनट, आई थिंक ये वाला है, हाँ भाई मिल गया रास्ता, ये हमें पहुंचा देगा। कुंभा और कुंभा से फिर जमावड़ी और वो होते हो अपने घर पहुंच जाएगा, तो यहाँ रास्ता याद है मेरे को। गाने का मन तो कर रहा है बट वही है कि कभी कोई गाय कभी कोई कुत्ता वगैरह सामने ना जाए, इंसान तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कोई गाड़ी बाइक स्कूटर कुछ नहीं दिखा इन रूट पे। ये आ गई है वही नदी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस पे हम आ रहे थे, तो फिर हम अंदर ही अंदर दो रोड है उसके ऊपर से आ गए थे। फिर से खराब रोड हो गया, स्टार्ट नहीं भाई, फिर से ठीक है। ओ भाई
मेन रोड पे ये डर लगता है कब क्या आवे, एकदम बड़ा खड्डा आ जाए, ये है वो है, गाय वगैरह आ जाए। जैसे एकदम खड़ा मोड आ गया, तो अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है या आपको ना दिखे, देखना सीधा आप अंदर गंदे वाला मरो ही मरो भाई। तो इस स्पीड में अगर आप सीधे खेतों में उतर गए तो वो लाइट है दूर कुंभा गांव की। मोबाइल निकालना पड़ेगा, ऐसे सामने दिख तो रहा है कोई गाड़ी जाती हुई, आई थिंक वही है, मेन रोड आ गया। अभी फिर से एक बार मैप में पता चल जाएगा कि हम कहाँ पहुंच गए। हाँ भाई यही है, और ये राइट है, ये चला जाता है भाई पुराना पेटवाड़ और अपना खांडा खेड़ी और नारनौंद की तरफ। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट होके फिर चले जाएंगे जमावड़ी होके और अपने घर, दो ही गांव आएंगे बस। ये सामने भाई, बिल्कुल सामने भाई मेरी मौसी जी का घर था, वहां आज भी आ रहे हैं, यहाँ पे अपना रुकते थे कई बार बस में आते थे तो, और सीधा सीधा पैदल पैदल निकल लेते थे। ले भाई ये रोड अच्छा है फिर भी, ये देखिए अब तो खुला सा रोड आ गया, सामने गाड़ी वाड़ी भी दिख जाएगी अब तो आपको। गाड़ी है बाइक है देखनी पड़ेगी। वैसे गांव वाले ने इसे बात करनी थी मैंने, चलो कोई ना, तो गाड़ी पीछे रह गई। चलो करते हैं बात इनसे भी, देखते हैं अभी। ओहो भाई ये भी फोन में देखते हैं अभी क्या सीन है। अरे ये भाई डर गए, रुके नहीं है, मैंने तो ऐसे ही मजाक में करा था। ड्रोन है, ड्रोन है यार, कैमरा है, कैमरा, चिंता ना करो, मीडिया का हूँ, कौन से काम के हो? अच्छा कुंभा है, अरे मेरी मौसी वाले, मैं तो वो वीडियो बनाऊ था, मैं भाइया ने मिलू की खेत खत्म जाओ भाई, और है खड़े में। अच्छा था, मैं कहूँ भाई डर गया, मैं ड्रोन की जरूरत नहीं है भाई, आ रात का टाइम है ना भाई, ठीक है मेरा भाई, ड्रोन यार ठीक है, ये डर गए थे भाई थोड़ा नोला, रात का टाइम है, इनको ये बोलना पड़ा भाई मीडिया में हूँ, तो थोड़ा सा इनको डर सा हो भी जाता है भाई, रात को 2 बजे हर किसी को डर लगता है।